दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करें टेक्निकल यू को, लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इस बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल यू में, मैं योगेश। इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ, आपके लिए एक बेस्ट सॉफ्टवेयर लाया हूँ जिसका नाम है रिक्यूआ रिकवरी सॉफ्टवेयर। जैसे कि आपके कंप्यूटर से कभी कभी इंपॉर्टेंट फाइल डिलीट हो जाती है आपसे परमानेंटली, जैसे कि रिसाइकल बिन में भी नहीं आती, आप रिसाइकल बिन से भी उसे डिलीट कर देते हैं, तो उस फाइल को आप फिर से रिकवर कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फर्स्ट थिंग हमने ओपन गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद रिक्यूआ नाम का एक सॉफ्टवेयर है जिसे हमें डाउनलोड करना है। जैसे कि एकदम छोटा सा सॉफ्टवेयर है रिक्यूआ, ये देखिए रिक्यूआ। तो ये जो फाइल हिप्पो की फाइल है, सिंपली फर्स्ट वेबसाइट जो आती है सिंपली इसे हमें ओपन करना है। उसके बाद में यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, जो कि मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। जैसे कि 5 MB की फाइल है, सिंपली इसे हमें इंस्टॉल एंड रन करना है। सिंपल देखे इंस्टॉल करता हूँ मैं अभी। इंस्टॉल करने के बाद इसमें एक बात यह है कि आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल होना चाहिए, उसके बाद ही आप डाउनलोडेड डिलीटेड फाइल आप रिकवर कर सकते हैं। तो अभी सिंपल हम इसे इंस्टॉल करते हैं, यहाँ से इसे ओके कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद में इसे रन करने दीजिए थोड़ा, एक मिनट। उसके बाद में सिंपल इसे इंस्टॉल पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पर इंस्टॉलिंग हो रहा है। उसके बाद में सिंपल मैं आपको 100% प्रूफ भी दिखा रहा हूँ, एक फाइल डिलीट करके उसे रिकवर करके दिखाता हूँ आपको। तो उसके बाद में सिंपल मैं आपको 100% प्रूफ दिखाता हूँ, एक फ़ाइल डिलीट करके दिखाता हूँ। जैसे कि अभी यहाँ पर है 3 वीडियो फाइल्स है मेरी, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए तीनों की तीनों फाइल मैं परमानेंटली डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से सिप डिलीट। तो यहाँ पर देखिए अब मैं दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर रिसाइकल बिन में भी कुछ नहीं है। तो उसके बाद में चलिए हम इस रिकोवा को ओपन कर लेते हैं। सिंपली इसे ओपन करना है हमें, जैसे हम इसे ओपन कर लेते हैं, ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, आपको अगर पता है आपकी फ़ाइल कौन सी टाइप की है तो उसे वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में आपको पता है वो फाइल कौन से लोकेशन पर है तो उस लोकेशन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में उस लोकेशन को आपको ब्राउज़ करना है, क्योंकि इससे ये होगा कि आपकी फ़ाइल जल्द से जल्द उसे मिल जाएगी। अब मुझे पता था लोकल डिस्क डी में थी, इसलिए मैं लोकल डिस्क डी और वीडियो का फोल्डर चॉइस करता हूँ। उसके बाद में ओके कर देते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट कर देते हैं। जैसे हम नेक्स्ट करते हैं उसके बाद में हमें यहाँ पर कुछ स्कैन होगा, यहाँ पर ये देखिए तीनों की तीनों फाइल अभी यहाँ पर शो कर रहे हैं। उसके बाद में इसे हम सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद में हमें रिकवरी पर क्लिक कर देना है। रिकवरी करने के बाद हमें लोकेशन चॉइस करना है। सिंपली आप लोकेशन सेम मत रखिए जब रिकवरी करते हो, तो लोकेशन चेंज कर लीजिए। अभी सिंपली मैं डी में लोकल डिस्क डी में चॉइस करता हूँ, तो वहाँ से इसे रिकवर कर लेते हैं। सिंपली इसे ओके कर देते हैं, तो ओके जैसे ही करता हूँ मैं सिंपली यहाँ पर ओके करने के बाद ये रिकवरी पर चला जाएगा। जैसे हम ओके करते हैं तो ये रिकवरी हो जा रही है, क्विकली हो जाता है, कोई टाइम नहीं लगता है। बस आप स्पेसिफिक फोल्डर चॉइस करें, उसके बाद में ओके। तो उसके बाद में चलिए मैं दिखाता हूँ आपको रिकवरी कहाँ पर हुई है हमारी। हमारी तीनों की तीनों वीडियो फाइल्स यहाँ पर शो कर रही है, ये देखिए तीनों की तीनों वीडियो फाइल हमारी यहाँ पर आ गए हैं। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप रिकवरी कर सकते हैं, बट ये आपके पीसी में ऑलरेडी इंस्टॉल होना चाहिए, उसके बाद ही आप रिकवरी कर सकते हैं। अगर नहीं भी है तो एक बार ट्राई कर लीजिए, हो सकता है। तो दोस्तों इसके बारे में अगर और भी कुछ जानकारी चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।